आज के इस छोटा सा वीडियो में हम आपको गूगल प्ले स्टोर का कुछ ऐसा एरर देखने को मिलता है ओपन करने पर, तो इस एरर को आज हम फिक्स करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं फियाले सरकार। आज का इस वीडियो में हम आपको इस प्ले स्टोर ओपन करने पर कभी कभी ऐसा ट्राई अगेन देखने को मिलता है। आपका नेटवर्क चेक कर लेना पहले, नेटवर्क तो सही चल रहा है फिर भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसके लिए सिंपल स्टेप है जो कि इस छोटा सा वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको पहले क्या करना है, सेटिंग्स में ये ऐप्स जो ऑप्शन मिलेगा आपको ढूंढना है, नहीं तो चार्ज कर लेने पर भी ऐप्स ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस ऐप ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर और गूगल प्ले सर्विस जो है ये दो आपको ढूंढ के निकलना है। पहले तो मैं गूगल प्ले स्टोर ढूंढ के निकलता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर मुझे मिल चुका है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद पहले तो आपको इसमें ढूंढना है कि स्टोरेज ऑप्शन कहाँ पर है। तो आपको स्टोरेज में जाना है। जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, क्लियर डाटा और क्लियर कैच। तो आपको पहले क्लियर कैच करना है, करने के बाद आपको चेक करना है। ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वापस से हम वहाँ पर जाएंगे। तो देख सकते हैं ठीक नहीं हुआ तो वापस से हम इस सेटिंग में जाएंगे और क्लियर डाटा कर देंगे। क्लियर डाटा करने के बाद आपको फिर से प्ले स्टोर में जाके चेक करना है। तो मुझे लगता है अभी भी ठीक नहीं होगा क्योंकि क्लियर डाटा करने पर ऐप्स पहले से शुरू होता है लेकिन एरर्स ठीक नहीं होता। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए शिफ्ट किया था। तो फिर से आपको वहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको परमिशन चेक करना है कि कोई भी परमिशन रह तो नहीं गया। इसके पहले आपको फर्स्ट स्टेप कर देना है। फर्स्ट स्टेप करने पर ऐप्स जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप कर देने के बाद आपको परमिशन चेक करना है, कोई छूट तो नहीं गया। तो परमिशन कुछ रह जाता है तो सब परमिशन आपको दे देना है। उसके बाद आपको गूगल प्ले सर्विस जो है वो ओपन करना है। वो ओपन करने पर आपको स्टोरेज में जाना है, सेम वैसे ही क्लियर कैच करना है। करने के बाद आपको ये लास्ट था तो आपको बैक आ जाना है। तो अब ठीक हो जाना चाहिए। तो मैं पहले फिर से चेक कर लेता हूँ कि कुछ भी रह गया है या फिर नहीं परमिशन। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा परमिशन मैंने दे दिया। तो ये चेक करने के बाद आपको ये नीचे आपको मिलेगा ऐप डिटेल्स। तो ऐप डिटेल्स में जाने के बाद आपको प्ले स्टोर में सीधा ओपन होगा। वहाँ पर ओपन होने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा। जब तक लोडिंग हो रहा है तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दें क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगा। उसके बाद आप लाइक करना भूल जाओगे तो लाइक नहीं होगा। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है तो एक लाइक तो बनता है। तो लाइक करो और उसके बाद आप वीडियो देखो। तो ये आप देख सकते हैं मेरा नेट जो है पूरा चल रहा है। तो आपको अभी जाना है प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर ओपन करने से पहले सारा का सारा बैकग्राउंड जो है सब क्लियर कर देना है और ओपन करना है। और ये आप देख सकते हो 100% ठीक हो चुका है। इसी बात पर सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आगे ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। इतना सब करने के बाद भी आपका प्ले स्टोर ठीक नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर का सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पर जाके प्ले स्टोर को अपडेट कर देना है, ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो और एकदम आसान वीडियो था। और मैं एक बात बता दूँ, मेरा हर वीडियो इतना आसान ही होता है और एकदम छोटा वीडियो होता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रॉब्लम का सॉल्व मिलने के लिए। तो आपको मेरा चैनल जो है आप लोगों को पता ही है, चैनल का नाम देख के कुछ सोच रहे होंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, ज्वाइन हो जाओ और सब्सक्राइब करना तो भूलें मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।